गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत दिन के बाद मैं फिर से मिल रहा हूँ आपको। करीबन मुझे लगता है 1.25 महीना हो गया मैंने कोई ब्लॉग डाला नहीं। तो आज का दिन संडे है तो सोचा चलो एक छोटा सा ब्लॉग बना देता हूँ आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं कोस्टल रोड, जो बॉम्बे में अभी नया नया बना है, मतलब अभी जो सेकेंड फेज खुला हुआ है, जो एड्रा से लेके नरीमन पॉइंट तक कनेक्ट करता है। तो ये रूट जो है काफ़ी बहुत अच्छा बना हुआ है जैसे सुनने को आया है। मैं अभी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो आपको भी दिखा देता हूँ कि ये टनल कैसा बना हुआ और ये कैसा कनेक्ट होता है। काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है मुंबई में और ये वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपमेंट माना जाता है, क्योंकि बॉम्बे में इतना ट्रैफिक हो रहा है। अगर साउथ बॉम्बे से अगर बांद्रा तक पहुँचना है तो करीबन 2.5 से 3 घंटा लगता है इवनिंग टाइम पे। तो ये कोस्टल रोड खोलने के बाद मुझे लगता है कि आप साउथ बॉम्बे से लेके नॉर्थ बॉम्बे तक 20 मिनट में आप पहुंच सकते हो। तो अभी यहाँ पर सीलिंग का जो फर्स्ट टोल है, मतलब जो टोल है, यहाँ से शुरू हो जाता है सीलिंग। ये बांद्रा की तरफ का है सीलिंग, यहाँ से मुझे लगता है कि 90 रुपीस जाने का है और 120 रुपीस आने का टोल है। फास्टैग का भी एक लेन है, अगर अगर आपके पास फास्टैग है तो आप फास्टैग से भी निकल सकते हैं। राइट हैंड साइड वाला है कैश लेन है, यहाँ पर वो डबल का चक्कर नहीं है। यहाँ पर 100 रुपीज़ सिंगल जर्नी का है और रिटर्न का 150 है। हाँ, मैं ये कैमराज का एक वीडियो बनाने वाले मैं मैग्नेट के ऊपर, मैं सोचा था कैसा ले सकते हैं। ये सामने देखो रिटर्न का जो है, रिटर्न का चालू हो गया है। ये रोड कनेक्ट हो जाता है, हाँ जाने का और आने का दोनों है उधर, अभी सिर्फ आने का उसमें शायद दिखा रहा है राइट लेने का। मेरे को लग रहा है अपन वापस जा रहे हैं। हाँ, लग रहा है अपन वापस जा रहे हैं नरीमन पॉइंट। हाँ, जब आप बांद्रा सीलिंग से आते हैं तो आपको मेन जंक्शन आ जाएगा। जंक्शन से आप जब भी यू टर्न लेके आओगे तो उसका तीसरा सिग्नल पे आपको फिर से यू टर्न लेके आपको ये नरीमन पॉइंट का सीलिंग का रोड है। तो मुझे लगता है कि ये टेम्पररी है अभी फिलहाल, ये आगे है टेम्पररी, स्ट्रेट कनेक्ट होगा शायद ये ना, टेम्पररी थोड़ी होएगा। ठीक है, यहाँ से जो है तो ये यहाँ से सीलिंग शुरू हो गया। उधर था ना वो, हम लोग ने देखा उधर, वो जो बना नहीं अभी बन रहा है, शायद उधर से होएगा ना कनेक्ट सीधा, एक ऑल्टरनेटिव रहेगा। तो भाई अभी हम लोग कोस्टल रोड पे आ गया है, सामने देखो ये समुंदर है। ये रोड काफ़ी टाइम से बन रहा था तो अभी ये कंप्लीशन स्टेज पे आ गया। ये मुझे लगता है फर्स्ट स्टेज है ये कोस्टल रोड का कनेक्टिविटी का, क्योंकि अभी सिर्फ बांद्रा तक कनेक्ट हो गया है। तो उसके बाद आगे चल के शायद ये मालाड या अंधेरी किधर और किधर कनेक्ट हो रहा है। ये सामने जो बिल्डिंग है जो पॉइंटेड है ऊपर एक डोम जैसा, सावरजी पालनजी का ट्विन टावर, मुंबई का ट्विन टावर। नरीमन पॉइंट राइट है, हाजी अली लेफ्ट है। हाजी अली अगर जाना है आपको तो लेफ्ट से जाना है और नरीमन पॉइंट तक जाना तो ये स्ट्रेट जाना है। तो यहाँ पर देखो कितना सारे ब्रिजेस बना हुआ है, अभी समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को। बहुत सारे ऊपर नीचे ऊपर नीचे रोड आ रहे हैं, लेकिन ये रोड से एक ही हो गया है कि आप देखो रोड इतना खाली है और इतना मतलब 4 लेन बना हुआ है, तो डेफिनेटली साउथ मुंबई जाने के लिए काफ़ी आसान हो गया ये। और ये व्यू का नज़ारा लेते लेते आप जा सकते हो। यहाँ पर ट्रैफिक जाम होना मुश्किल ही है यहाँ पर, क्योंकि इतना सारा वाइड लेवल से इधर। शुरुआत में हम लोग को लगा था ये बीच व्यू ख़राब कर रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा।
जाता है कि यहाँ का टोल अभी तक शुरू नहीं हुआ है, पता नहीं यहाँ पर टोल होगा नहीं होगा, लेकिन अभी शुरुआत में अभी तो टोल नहीं है, नहीं होगा तो अच्छा ही है कि सीलिंग पे तो ले रहे हैं टोल, यहाँ पर तो अभी ले नहीं रहे, तो वो ये आगे चल के फ्री रहे क्योंकि काफ़ी लोगों को हेल्प होगा। हाँ यहाँ पर शायद बाइक्स अलाउड नहीं है इस रोड पर, खाली कार्स अलाउड है यहाँ पर। यहाँ से आप बालू भाई देसाई रोड को जाने के लिए आप यहाँ से लेफ्ट ले सकते हो। तो मतलब बॉम्बे के हर पॉइंट पे एग्जिट पॉइंट दिया हुआ है, अगर बॉम्बे के हर जगह जाना है ऐसा नहीं कि यहाँ से नर्मन पॉइंट निकल गया। यहाँ से शायद अभी अंडर वाटर ये टनल जाएगा, ये फर्स्ट टाइम बॉम्बे में हो रहा है ये कि अंडर वाटर टनल बना हुआ है गाड़ियों के लिए जो सी के नीचे से जाता है। हम लोग फॉरेन कंट्रीज में सुनते थे कि अंडर वाटर ब्रिज बना हुआ है, दुबई में ऐसा बना हुआ है, फर्स्ट ये जो है जो अंडर वाटर ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज बना था टनल बना हुआ है। शॉर्ट हो गया है, मुझे लगता है हार्डली 10 मिनट में हम लोग ने जो बैंड्रा में एंट्री किया, बैंड्रा से यहाँ तक मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में हम लोग ने ये पूरा कंप्लीट कर दिया, जो नॉर्मली 2 से 2.5 घंटा लगता है कम से कम। बॉम्बे का फेमस जो राइट हैंड साइड पे, ये बॉम्बे का फेमस मरीन ड्राइव, ये आपको क्वींस नेकलेस भी बोला जाता है। अगर आप रात के टाइम पे आओगे तो एक नेकलेस जैसा आपको एक फील आएगा, क्योंकि लाइट्स जब लगा रहता है एक नेकलेस ऐसा लगता है। यहाँ पर एयर इंडिया बिल्डिंग और एक ट्राइडेंट होटल हम लोग को एक पुरानी यादें फ्रेश कर देता है जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन बॉम्बे को पूरा हिला दिया था एक ट्राइडेंट होटल का इंसिडेंट से। ये यहाँ का फेमस सबसे फेमस नरीमन पॉइंट, यहाँ पर अगर आप शाम को आते हो तो समुंदर के बाजू में बैठ सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मरीन ड्राइव है, शाम को फैमिली के साथ आ जाओ, टाइम बिताओ। यहाँ पर बॉम्बे का खिचखिच पिचपिच से यहाँ पर थोड़ा आपको सुकून मिल जाएगा। सामने देखो भैया गेटवे ऑफ इंडिया,
पहले यहाँ पर सब ओपन होता था डायरेक्टली, ये बैरिकेड्स नहीं होता था, डायरेक्टली जा सकते थे, लेकिन अभी बैरिकेड्स लगा दिया है और एक एंट्री पॉइंट कर दिया है। पहले ये पूरा ओपन ही होता था, ये पूरा जो बैरिकेड्स होता नहीं था और ये पूरा ओपन होता, डायरेक्टली जा सकते थे अभी, लेकिन आपको एक एंट्री पॉइंट में जाके फिर अंदर जाना पड़ता है। ये मुंबई दर्शन का बस है, आप पूरा बॉम्बे दर्शन कराते बस। भैया कितना है टिकट का? 150। कहाँ कहाँ लेके जाते हैं? मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी, विल्सन कॉलेज, चत्तीगढ़ स्टेशन, ओल मैदान, हाईकोर्ट, बॉर्डर, सीएसटी, म्यूजियम, लास्ट स्टॉप। अच्छा दोस्तों, अगर आपको बॉम्बे घूमना है तो ये बस 150 रुपीज़ में एसी बस है, आप ये बस में पूरा बॉम्बे घूम सकते हो। यह है बॉम्बे का फेमस गेटवे ऑफ इंडिया। अभी ये बंद कर दिया है, पता नहीं क्यों, शायद रिनोवेशन होता है या क्या पता नहीं, लेकिन यहाँ से पहले आप अंदर डोम के अंदर जा सकते थे। यहाँ पर और एक फेमस जगह है एलिफेंटा केव्स, अगर आपको एलिफेंटा केव्स जाना तो यहाँ से आप बोट लेके भी जा सकते हैं, और अलीबाग के लिए गेट नंबर 2 से आप अलीबाग के लिए जाते हैं। इसी समुंदर के रास्ते से आए थे और ये ताज होटल पे लोग घुसे थे। आप अगर इधर आते हो तो आपको ब्रिटिशर्स लोग का काफी छाप दिखेगा, जैसे सामने बिल्डिंग है, ये हेरिटेज बिल्डिंग है, ब्रिटिशर्स लोग ने बनाया हुआ है, तो काफ़ी ये बिल्डिंग्स यहाँ पर हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है, मतलब वो लोग ना तोड़ सकते हैं ना उसको कुछ रिनोवेट कर सकते हैं। आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मेरा अगला ब्लॉग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक मिनी कैंपर वैन जैसा बोलो, वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में ही देख लेना हो क्या सरप्राइज है करके, एक छोटा सा कैंपर वैन होगा हमारा नया, उसमें ट्रैवल करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, बेल आइकन डालना और कमेंट्स डाल देना, आपको जो पसंद है नहीं पसंद है, आपको जो भी आपको लगा उसके बारे में थोड़ा कमेंट्स डाल देना, ताकि मुझे भी समझ आए कि क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग, तब तक के लिए गुड बाय।